तृतीयोध्याय ध्यानम। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा पा रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रक्तमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बरसात करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूह अनायास ही काट कर उसके घोड़ों तथा सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष रथ घोड़ा और सारथी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी को बाँ पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आँखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धजियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धर से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्ग्रभी शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदपाल से वाष्पकल तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत का घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर तथा महानु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल और मस्तक को धर से काट गिराया। दूधर और दुर्मुख इन दोनों भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। खींचते समय देवी ने तलवार से सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस के शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर सहित तीनों लोग को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ।
राक्षस गरजने लगा तथा अपने सिंह से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ के आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही निकल पाया था कि देवी अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने इन महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।